ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को लाखों का चूना लगाने वाला सोंटू जैन पुलिस हिरासत में है। दरअसल पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद सोंटू भाग गया था। उसके बाद उसने आज दोपहर 12:30 बजे न्यायालय में आत्मसमर्पण किया है। दरअसल सोंटू जैन कई दिनों से ऑनलाइन गेमिंग ऐप का गिरोह चला रहा था, जहां वह डॉक्टर्स ऐप के जरिए लोगों को अधिक फायदे का प्रलोभन देते हुए निवेश के लिए परारूत कर रहा था। लेकिन पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के बाद सोंटू मौके से फरार था, जिसके बाद बचाव प्रक्रिया के जरिए सोंटू जैन ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सभी दरवाजे खटखटाए। लेकिन जब आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज की, इसके बाद जब कोई चारा नहीं बचा तो आखिर में उसने उच्च न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया। ज्ञात हो कि सोंटू जैन के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 दिनों के भीतर आत्मसमर्पण करने की नोटिस जारी की गई थी, जिसके बाद उसने आखिर आज सरेंडर किया है। जिसके विषय में जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने सोंटू जैन के पास से कैश और गोल्ड और सिल्वर बिस्कुट मिलाकर 32 करोड़ का माल हस्तगत किया है। ऑनलाइन गेमिंग में जो फसवनुक हुई थी उसके बारे में जो ऑफेंस रजिस्टर्ड था उसमें आपको पहले ही बताया गया है, आरोपी के जो घर और बैंक लॉकर्स से जो सर्च की गई थी उसमें 32 करोड़ की गोल्ड सिल्वर और कैश रिकवर की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी शुरुआत में फरार था, वो दुबई में था और उसके बाद उसको जब एड इंट्रीम प्रोटेक्शन मिली थी तो वो नागपुर शहर में आया था। कुछ दिन तक वो यहाँ पे हाजिरी पे था और हाजिरी के दरमियान उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार का सहकार्य नहीं किया। उसके बाद जब उसकी बेल रिजेक्ट हुई उसके पहले ही वो यहाँ से फरार हो चुका था और फरार होने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में उसने याचिका दाखिल की थी जो कि वहाँ पे उसको एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। उसके बाद उसको 7 दिन का समय दिया गया था। आज वो कोर्ट में हाजिर हुआ है, लीगल प्रोसीजर्स उसकी PCR लेने के लिए शुरू की गई है। इस प्रकरण में पहले से ही मैंने बताया था अत्यंत संवेदनशीलता के साथ एक विशेष तपास पथक इस प्रकरण की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो इस केस में अपवर्ड लिंकेजेस हैं, डाउनवर्ड लिंकेजेस हैं और साथ में विक्टिम के अलावा और किसकी किसकी इस प्रकार की फसवणूक की गई है, इस तीनों एंगल से तपास की जा रही है। जो भी इसमें इनको मदद करने वाले और कॉन्स्पिरेटर्स जो इस केस में हैं उनको भी निष्पन्न किया जा रहा है और इसके फरारी के काल में जिसने जिसने इसको मदद किया फरार होने में वो भी हमारे रडार पे हैं। कैश ट्रांजैक्शंस में जिस माध्यम से कैश की ट्रांजैक्शन हुई वो लोग भी निष्पन्न किए जा चुके हैं। जो टेनेंसी बैंक अकाउंट्स के माध्यम से जो ऑनलाइन फंड्स ट्रांसफ़र की गई थी वो लोगों तक भी पहुंचा जा रहा है और इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनरेवल करने के लिए पुलिस दल पूरी तरीके से प्रयत्नशील है। कस्टोडियल इंट्रोगेशन में इसमें और भी गति आएगी और आपको योग्य समय पे और जानकारी दी जाएगी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे, BCN News, नागपुर।